नमस्ते, हरीनास कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं क्रिसमस स्पेशल चॉकलेट फ्रूटनट केक बनाएंगे। पर आज जो हम ये चॉकलेट केक बनाएंगे उसमें ना ही मैदे का इस्तेमाल करेंगे ना ही शक्कर का। बिना अंडा, बिना शक्कर, बिना मैदा और बिना अल्कोहल के भी ये क्रिसमस केक बहुत ही टेस्टी बनेगी। सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी ऐसे ही चॉकलेट क्रिसमस केक बनाने के लिए बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। 3 बड़े चम्मच काजू, 3 बड़े चम्मच बादाम और 3 बड़े चम्मच अखरोट लिए हैं। वीडियो में दिखाए वैसे छोटे छोटे पीस करके लेने हैं। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़े से पिस्ता भी ले सकते हैं। 3 बड़े चम्मच टूटी फ्रूटी ली है। ये टूटी फ्रूटी मैंने घर पे बनाई हुई ली है। घर पे टूटी फ्रूटी कैसे बनानी है उसकी वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ आप बाजार की टूटी फ्रूटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप जितनी किशमिश ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 तरह की ली है, आपके पास कोई भी एक हो तो आप एक भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून क्रैनबेरी ली है, अगर नहीं हो क्रैनबेरी तो स्किप कर दीजिए। 1 कप यानी कि 250 ml जितना ऑरेंज का फ्रेश जूस लिया है। इस जूस के अंदर सारे ड्राई फ्रूट को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखना है। यहाँ पे ऑरेंज जूस की जगह पे आप जो रेडीमेड जूस आते हैं पैकेट जूस वो भी ले सकते हैं। इसे रख के कोई भी जूस में 3 घंटे ड्राई फ्रूट्स को भिगो के रखेंगे तो ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इसमें एकदम अलग तरह का एक फ्लेवर आएगा। चले तो 3 घंटे बाद इसको चेक करेंगे। आज इस केक में हम शक्कर का नहीं गुड़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसके लिए 1/4 कप जितना पानी गर्म रखना है और 1 कप गुड़ लिया है। मैं यहाँ पे जो देसी गुड़ आता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नॉर्मल कोई भी गुड़ ले सकते हैं। फ्लेम को एकदम धीरा रखना है और धीरी आंच पे ही इसे सिर्फ पिघालना है। गुड़ की हमें कोई चाशनी वगैरह तैयार नहीं करनी है, सिर्फ इसे धीमी आंच पे हिलाते हुए एक बार पिघाल लेंगे। अगर आप गुड़ की जगह पे शक्कर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3/4 कप शक्कर लेनी है। देखिए, इस वक्त अब फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद फ्लेम पे ही हिलाते हुए गुड़ को पिघाल देंगे। अगर आप यहाँ पे गुड़ की जगह शक्कर ले रहे हैं तो आपको 2 पिंच सॉल्ट भी डालना पड़ेगा पीछे से। अब पिघले हुए गुड़ को एक बाउल के ऊपर छलनी रख के इसमें छान लेना है। अब जाड़े तले की एक कढ़ाई के अंदर एक स्टैंड रखना है और इसे ढक के 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे गर्म रख देंगे। एक बाउल के ऊपर एक छलनी रखेंगे इस तरीके से बड़े होल वाली और इसके ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे जिससे सारा ऑरेंज का जूस इसमें से निकल जाए। अब इस भिगोए हुए ड्राई फ्रूट को एक साइड में रखेंगे। अब इस तरीके का एक केक टिन लेना है। ये केक टिन 9 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा है। इसको घी लगा के या फिर ऑयल लगा के इस तरीके से ग्रीस कर लेना है और बटर पेपर लगाना है। जो गुड़ का सिरप हमने तैयार किया था उसे एक बाउल में ले लेंगे। 1/3 कप रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल यानी कि कोई भी तरह का फ्लेवर या तो स्मेल नहीं हो ऐसा तेल इस्तेमाल करना है। अब इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। गुड़ का सिरप काफ़ी गाढ़ा है इसलिए तेल में मिक्स नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दूध डालेंगे। बैटर बनाने के लिए हम 3/4 कप दूध का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें से 1/4 कप दूध अभी डालेंगे। दूध यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसे फेंटेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है पर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आने वाली सारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब बॉल के ऊपर एक छलनी रखेंगे और इसमें सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे, जिसमें आटा लेंगे गेहूँ का आटा। 1 कप ऊपर 1/4 कप गेहूँ का आटा लिया है। 2 बड़े चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो 1 चम्मच मलाई और 1 चम्मच शक्कर डाल सकते हैं। 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर लेना है। 1/2 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सॉल्ट का पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1/2 चम्मच जायफल पाउडर डालना है। इसमें आप चाहे तो 1/4 चम्मच लौंग का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है यानी कि 1 टीस्पून। केक बनाने के लिए आप जो भी चीज़ें ले रहे हैं वो हो सके तो केक के जो मेज़रमेंट के कप और चम्मच आती है उससे नाप के ही लीजिए और सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को इस तरीके से छान के लीजिए ताकि दिखे कोई भी लम्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। अब जो भिगोए हुए सारे ड्राई फ्रूट्स से वो इसमें डाल देंगे।
थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को केक के ऊपर गार्निशिंग के लिए बाकी रखेंगे। 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डालना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के बैटर तैयार करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी आगे वीडियो में जैसे दिखा रही हूँ वैसे रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। देखिए ऐसा बैटर तैयार करना है, इसके लिए मुझे 3/4 कप से थोड़ा सा कम दूध लगा है। अब जो बटर पेपर लगा के तैयार किया था उस केक टिन में सारा बैटर निकाल लेंगे। केक टिन को थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए। अब केक के ऊपर जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स रहे थे वो डाल देंगे। थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी डालेंगे। अगर नहीं आप चॉकलेट चिप्स डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। अब 10 मिनट गर्म की हुई कढ़ाई में केक टिन को सेट करना है। अगर आपकी कढ़ाई थोड़ी सी पतली लग रही है आपको तो यहाँ पे आप नीचे थोड़ा नमक डाल दीजिए। केक टिन को कढ़ाई में सेट करेंगे, कढ़ाई को ढकेंगे और 45 मिनट से लेकर 50 मिनट तक इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। कम से कम इसे 30 मिनट के बाद ही चेक कीजिए, उससे पहले नहीं। 40 मिनट्स के बाद इसे चेक करेंगे। देखिए केक काफ़ी फूल गया है और ऊपर से तो लग रहा है कि पक गया है, पर इसे एक स्टिक या तो नाइफ की मदद से चेक करेंगे अंदर से। इस तरीके से बीच में स्टिक या तो फिर चाकू डालना है। देखिए अंदर से अभी भी केक पका नहीं है, आटा लग रहा है स्टिक पे, इसलिए इसे वापस से ढकेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे वापस से पकने देंगे। केक को पकते हुए 50 मिनट से ऊपर हो गया है, अब वापस से इसे एक बार चेक करेंगे। देखिए केक हमारा एकदम पक के तैयार है, अब इसमें वापस से एक बार स्टिक डाल के चेक करेंगे। देखिए इस बार स्टिक पे बिल्कुल भी आटा लग नहीं रहा है, इसका मतलब कि केक अंदर से भी अच्छे से पक गई है। अब इसे तुरंत ही एक रैक पे या तो फिर कोई भी छलनी हो आपके पास उसके ऊपर निकाल दीजिए। इस तरीके से 10 मिनट इसे रहने दीजिए और 10 मिनट के बाद ये केक टिन में से भी इसे बटर पेपर के साथ ही निकाल दीजिए। देखिए 10 मिनट के बाद इसे निकाल के वापस इसी रैक पे रखना है, या तो छलनी या तो फिर मलमल के कपड़े के ऊपर रख सकते हैं। ऐसा करने से केक का जो नीचे का भाग है वो भाप की वजह से गीला नहीं होगा। अब इसे 1 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा कर लेना है। देखिए 1 घंटे बाद इसमें से बटर पेपर निकाल लेंगे। केक पे से बटर पेपर तभी निकालिए जब केक एकदम ठंडा हो, वरना आपका केक टूट जाएगा। देखिए लग रहा है ना एकदम जालीदार केक। इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख के उसके बाद इसके पीस कीजिए तो बिल्कुल भी केक बिखरेगा नहीं। देखिए एकदम चॉकलेटी, सुपर सॉफ्ट और जालीदार ऐसा चॉकलेट ड्राई फ्रूट केक तैयार है। ये चॉकलेट फ्रूट नट केक दिखने में जितना जालीदार और सॉफ्ट लग रहा है, खाने में इतना ही टेस्टी है। और ये केक हमने गेहूं के आटे और गुड़ से बनाया है, तो आप इसे बिना कोई गिल्ट के खा भी सकते हैं। तो ये सुपर सॉफ्ट और टेस्टी ऐसे चॉकलेट ड्राई फ्रूट केक को इस क्रिसमस पे घर पे ज़रूर बनाइए। एक बार आप इस केक को ट्राई करेंगे तो मेरी गारंटी है आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, इतना टेस्टी बनता है ये। इस केक से जुड़े हुए कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे YouTube में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूले और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।